हेलो फ्रेंड्स, हमारे रसोई में रोग सबनी के स्वागत में। चलिए आज गर्मा गर्म पकौड़ा की रेसिपी दी हम, वो भी लौकी के। बारिश के दिनों में कोई चीज़ के पकौड़ा हो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे कहे ना, बारिश हो और पकौड़ा मिल जाए। तो चलिए हम पहले कर लौकी के छिलके छोटा छोटा काट लेता नहीं पहले। चलिए लौकी के पकौड़ा बनाए खातिर लौकी के अच्छा से छिलके हमने के इस आकार में काट लेने, और वो चाहिए तो बहुत ज़्यादा मतलब छोटा भी कर सकते नहीं, बड़ा भी कर सकते नहीं। अब एकर एक घोल तैयार कर जाए, मतलब पेस्ट तैयार कर जाए। चलिए पकौड़ा खातिर हम बेसन ना चना दाल के इस्तेमाल करते नहीं, जो दो घंटा पहले हम भिंगो दे ले रही, अच्छा से ये फूल गई बा। और साथ में थोड़ा सा हम एक मुट्ठी के बराबर चावल के भी इस्तेमाल करते नहीं इसी में, ताकि कुरकुरा हो जाए। इससे क्या हो गया, टेस्ट पकौड़ा के बहुत ज़्यादा अच्छा होला। अब इसमें डाले खातिर हम ले ले बनी लहसुन के कली और स्वाद के अनुसार हरी मिर्च, रुआ लाल मिर्च के भी इस्तेमाल कर सकते नहीं। इस सारा के एक बारीक पेस्ट तैयार करे के बाद और थोड़ा सा धनिया पत्ती के डंटेल। अब एकरा के एकदम पेस्ट अच्छा से एकदम तैयार करे के बाद, ताकि हमनी के पकौड़ा खिला खिला हो। चलिए तो देखिए हमनी के पकौड़ा खाती इस तरीका से घोल तैयार कर लेनी जा। अब इसमें जाए कुछ मसाला, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, जीरा पाउडर, थोड़ा सा गोलकी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। अब अच्छी तरीके से सब घोल में मिक्स कर लिया है, ताकि मसाला सब जगह अच्छा से मिक्स हो जाए। बराबर चला के मिक्स कर लेवे के बाद, ताकि सूखा मसाला जो रहेला कि थोड़ा देर तक ले अच्छा से मिक्स केला पे अच्छा से मिक्स हो जाए। चलिए तो हमने के अच्छा से मिक्स कर लेनी जाए, एकदम घोल बराबर परफेक्ट तैयार हो गई बा हमने के। अब एकरा में क्या कर जाए कि जो भी हमने के बनाए के बाद पकौड़ा चाहे बचका, ओकरा के इस तरीका से डिप कर दिया है। आ डिप करके आप पूरा तेल कढ़ाई गरम में डालल जाए। देखिए पूरा इस तरीका से होके के चाहिए, दोनों तरफ हमनी के मिक्स हो जाए के चाहिए। जैसे इस तरीका से हमनी के डिप लेनी जा तो दोनों तरफ बराबर होके के चाहिए। तो क्या होखेला कि अच्छा मतलब एक तरीका से अच्छा तरीका से पकौड़ा तैयार होखेला। चलिए तो देखिए पहले से हमनी के तेल गरम होके के रख दे ले बनी जा, ये पूरा अच्छा से गरम बा। अब एक एक पकौड़ा करके हमनी के लौकी के डालम जा। पूरा तेज पहले ना गरम होके के चाहिए, नहीं तो पकौड़ा ऊपर से जल जाए अंदर से पकी ना। तो मीडियम ही गरम होके के चाहिए। आइए के करके आराम से डालम, एकदम सुंदर सुंदर खिलल खिलल पकौड़ा राउर लौकी के तैयार होके, बहुत टेस्टी पकौड़ा होके। एक बार ट्राई जरूर करम जे जिस तरीका से बनावल जाला। गाँव में तो बजका कहला लोग, फिर वह बजका भी बना सकता नहीं। जब एक तरफ से पकौड़ा राउ तैयार हो जाए तो आराम से ये ऊपर के साइड आ जाला। अब एकरा के पलट देवे के बाद एक दूसरे पर भी चढ़ जाए तो कोई बात नहीं, आराम से लेके एकरा के पलट पलट दिया ही। और जब तक ले हल्का सा लाल ना आ जाए तब तक ले जाके कद्दू के लौकी के पकावे के बाद। फिर तो पकौड़ा हमनी के देखी हल्का लाल हो गई बा, अभी बन के तैयार हो गए। अब गैस के बंद करके सारे को निकाल लिया एक तरफ करके, एकदम बहुत ज़्यादा टेस्टी बनल बा। कहे कि जो ऊपर नीचे खिल जाला पूड़ी के तरह जैसे बीच से, तो समझ जाइए कि बहुत अच्छा से ये परफेक्ट राउर पकौड़ा तैयार हो गई बा। देखिए तो बहुत ज़्यादा टेस्टी राउर चना दाल से लौकी के पकौड़ा तैयार कर ले बनी बेसन के। इस तरीका से अगर बीच से ये पूरा इस तरीका से रोटी के तरह हो जाए तो समझ जाइए कि राउर पकौड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा बनल बा। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेला लौकी के पकौड़ा, एक बार ट्राई जरूर करम जा। तो फिर मिलम एक नया रेसिपी के साथ, एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। हमारी रेसिपी देखे खातिर